मैं डॉक्टर जायसवाल, प्लास्टिक सर्जन। राइनोप्लास्टी या नोज जॉब प्रोसीजर जो होती है, नाक का सौंदर्यीकरण भी कहा जाता है जिसे, नोज का शेप को बेहतर बनाने के लिए की जाती है। इस प्रोसीजर में हम लोग नाक में जो भी चेंजेस चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे नोज किसी की बड़ी है, चौड़ी है, तिरछी है, दबी हुई है, टिप जो है वेल डिफाइंड नहीं है, राउंडेड टिप है, कुछ पहले कोई ट्रॉमा हुआ है, चोट लगी है, उसकी वजह से परेशानी है, या बीच में जो नोज के दोनों होल्स के बीच में जो सेप्टम रहता है वो तिरछा है, इन सारी विकृतियों के लिए राइनोप्लास्टी प्रोसीजर की जाती है। इस पूरी प्रोसीजर में हम लोग जो आइडियल नेजल पैरामीटर है उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जो प्रोसीजर होता है मोस्टली 1.5 से 2 घंटे से लेकर 3 से 4 घंटे तक रहता है। आपको 1 दिन हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम, या अगर कुछ ज्यादा प्रोसीजर रहता है तो 2 दिन रुकना पड़ सकता है। इस प्रोसीजर में नाक के या चेहरे के ऊपर कुछ भी मेजर कट या कट का निशान या स्कार मार्क नहीं आता है। प्रोसीजर जो की जाती है उसमें नोज के जो दोनों होल्स रहते हैं उसके बीच में जो कॉल्यूमेला रहता है ये वाला पार्ट, इसके थ्रू नोज को ओपन करके जो भी हमको अंदर चेंजेस करना है वो हम लोग करते हैं। साइड इफेक्ट्स का अगर बात करें तो इस प्रोसीजर के बाद थोड़ा स्वेलिंग रहता है। वो स्वेलिंग डिपेंड करता है कि हमने प्रोसीजर कितनी लंबी करी है और क्या चेंजेस करें। मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्वेलिंग रहती है 2 से 4 दिन में काफी कुछ कम हो जाती है, लेकिन यदि हमने बोन को ब्रेक करा है या ज्यादा कुछ उसमें वर्क किया है तो वो स्वेलिंग कुछ अधिक समय तक भी रह सकती है। अल्टीमेटली स्वेलिंग जाने के बाद आपको पूरा फाइनल शेप नोज का मिल जाता है। लोग बेसिकली सेंट्रल इंडिया में मैक्सिमम नंबर कॉस्मेटिक सर्जरीज करते हैं। हमारा मेन सेंटर इंदौर में है, लेकिन हम लोग नागपुर, रायपुर, भोपाल और लखनऊ में भी मंथली अवेलेबल रहते हैं कंसल्टेशन और सर्जरी के।